हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहतास निमी और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं पेपर फर्स्ट के बारे में, लॉजिकल रीजनिंग के बारे में। दोस्तों हमें ये पता करना है कि ऐसे कौन से टॉपिक हैं और कौन से क्वेश्चन हैं जो पेपर में बार बार रिपीट होते हैं, जिन्हें हम अच्छे से करके पेपर फर्स्ट में अच्छे मार्क्स लेके आ सके। तो आज की इस वीडियो में यही बताएंगे हम, तो इस वीडियो को आप पूरा देखना और ध्यान से देखना। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का बटन ज़रूर दबाइए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियोस को आसानी से देख सकें। तो चलिए दोस्तों अब हम जानते हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं बात करता हूँ नवंबर 2017 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें ऐसा कौन से क्वेश्चन है जो रिपीट हुए हैं डिट्टो कॉपी। ठीक है, ये देखिए नवंबर 2017 सेट ए है ये, और इसके अंदर जो क्वेश्चन है ये देखिए क्वेश्चन नंबर 29, इसके अंदर सभी चमगादड़ स्तनपाई होते हैं, कोई भी पक्षी चमगादड़ नहीं होता। ये जो क्वेश्चन है दोस्तों आपको पता है कि वेन डायग्राम से रिलेटेड है। ठीक है, यही क्वेश्चन पहले भी आया है डिट्टो कॉपी, उसमें बस थोड़ा सा फ़र्क है, मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको यकीन हो जाए। ठीक है, ये देखिए दोस्तों ये जुलाई 2016 सेट ए है, इसी के अंदर ये क्वेश्चन आया, क्वेश्चन नंबर 26, सभी चमगादड़ स्तनपाई होते हैं, पक्षियाँ चमगादड़ नहीं होते। यानी कि अगर आपने ये पहले क्वेश्चन किया हुआ होता तो आप नवंबर 2017 में एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन कर सकते थे आसानी। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको वो सभी क्वेश्चन बताऊँगा जो बार बार रिपीट होते हैं और वो टॉपिक बताऊँगा जो बार बार आते हैं। तो सबसे पहले जैसे हम इसी के बारे में बात कर लेते हैं वेन डायग्राम के बारे में, तो वेन डायग्राम के से रिलेटेड और किस तरह के क्वेश्चन आते हैं वो बता देता हूँ मैं आपको। ये देखिए वेन डायग्राम से एक थ्योरेटिकली क्वेश्चन भी आते हैं कि उनके बारे में कुछ 4-5 पॉइंट दे दिए जाएंगे, उनमें हमें बताना है कि कौन से पॉइंट सही है और कौन से गलत है। ठीक है, और वेन डायग्राम से रिलेटेड और भी क्वेश्चन हैं जो बार बार रिपीट होते हैं, आपको दिखा रहा हूँ मैं। अब ये देखिए दोस्तों ये दोबारा से फिर से रिपीट हो गया है वेन डायग्राम थ्योरेटिकली। ठीक है, और मैं दिखा रहा हूँ आपको, अब वेन डायग्राम से रिलेटेड एक इस तरह का आता है जिसमें सर्कल दिए हुए होते हैं और उसमें हमें सवाल है वो करना होता है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन भी रिपीट होते हैं। अब ये देखिए ये दोबारा से रिपीट हो गया, ये दिसंबर 2014 में आया था ये क्वेश्चन। ठीक है, और इससे पहले भी ये क्वेश्चन आ चुका है, तो इस तरह से बार बार रिपीट होते हैं। और अब ये देखिए ये वेन डायग्राम का एक बार फिर आ गया, सभी कुत्ते स्तनधारी होते हैं, कोई बिल्ली कुत्ता नहीं है। यानी कि अगर आप इस तरह के क्वेश्चन करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से करने हैं। ठीक है, अब दोस्तों हम बात करते हैं वेन डायग्राम के अलावा ऐसे कौन से टॉपिक है इसके अंदर लॉजिकल रीजनिंग में जो बार बार रिपीट होते हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ। एक ये देखिए दोस्तों परिभाषा की प्रकृति, ये परिभाषा डेफिनेशन इसमें आती है, काफ़ी आती है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ, डेफिनेशन से क्वेश्चन रिपीट होते हैं। देखिए अब दोबारा हो गया, स्वनिर्मित परिभाषा होती है। ठीक है, ये आ गया इसके अंदर और मैं आपको दिखा रहा हूँ। अब ये देखिए एक बार फिर से आ गया, स्वनिर्मित परिभाषा निम्नलिखित में से कौन सी कही जा सकती है, ये आ गया। ठीक है, अब ये देखिए क्वेश्चन नंबर 25 की भावनाओं को उद्वेलित करने के जरिए किसी विवाद का समाधान करना क्या कहलाता है, तो ये स्वनिर्मित परिभाषा आ गया। ठीक है, तो इस तरह की जो डेफिनेशन है वो आपको करनी है, तो इससे क्या है दोस्तों हमें पता चल रहा है कि क्वेश्चन है वो कहाँ से आ रहे हैं, किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, अब हम और टॉपिक के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। अब ये देखिए दोस्तों जून 2013 के अंदर क्वेश्चन आया था कि मधुमक्खी शहद गाय दूध शिक्षक, ये हमें एक कोड दिया है, इसके अनुसार हमें क्वेश्चन करना है। ठीक है, इसी तरह का क्वेश्चन हमारे 2017 में भी आया है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। और ये देखिए दिसंबर 2014 में आया है, योद्धा का तलवार से संबंध है, बढ़ई का संबंध आरी से, तो किसान का संबंध किससे होगा, ये कोड से रिलेटेड है। ठीक है, और मैं दिखा देता हूँ इस तरह का जो क्वेश्चन आया है। अब ये देखिए सितंबर 2013 में जो क्वेश्चन आया है इसमें भी हमें क्रम वाइज लगाना है। दोस्तों इस तरह की पीडीएफ मैंने
हर टॉपिक वाइज यानी कि हर सब्जेक्ट वाइज बना रखी है। पेपर फर्स्ट के अंदर जो जो आते हैं हमारे, जैसे कम्युनिकेशन हो गया, रिसर्च हो गया, टीचिंग एप्टीट्यूड हो गया, मैथमेटिकल रीजनिंग हो गया, यानी कि जितने भी 10-11 अपने सब्जेक्ट हैं उन सभी की मैंने PDF बना रखी है। तो उनमें आप अच्छे से एनालाइज कर सकते हैं कि ऐसे कौन से क्वेश्चन हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो उन सभी को करके आप आसानी से स्कोर कर सकते हैं। और ऐसे तो दोस्तों हम चाहे कुछ भी पढ़ते रहें, ऐसे तो पढ़ाई का कोई अंत नहीं है, ठीक है। तो चलिए मैं आपको कुछ और दिखा देता हूँ ऐसे क्वेश्चन जो बार बार रिपीट होते हैं। और एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, ये सभी अगर आप PDF मेरे से लोगे तो उसकी कुछ कॉस्ट हो सकती है, क्योंकि मैंने भी ये दोस्तों काफ़ी मेहनत से बनाई है, काफ़ी दिन मैंने इसके पीछे वेस्ट किए हैं। तो आप ये मेरे से लेना चाहो तो ले सकते हो। अब देखिए दोस्तों, एक क्वेश्चन और मैं आपको दिखाता हूँ जो अक्सर रिपीट होता है लॉजिकल रीजनिंग के अंदर, और जो बिल्कुल ही आसान है, आप उसे 10 सेकंड के अंदर कर सकते हैं, ठीक है। अभी देखो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए, ये है हमारा दिसंबर 2013 का जो क्वेश्चन पेपर है, इसके अंदर आया है ये क्वेश्चन। ये देखिए, सादृश्य मूलक का क्वेश्चन आया है। सादृश्य मूलक का मतलब होता है कि उसके तरह, यानी कि किसी के साथ हम किसी चीज़ का कंपेयर करते हैं तो उसे हम सादृश्य मूलक कहते हैं, ठीक है। ये आया दिसंबर 2013 में आया है, और मैं आपको दिखा देता हूँ। अब ये देखिए, जून 2014 के अंदर दोबारा फिर आ गया, ठीक है। और मैं आपको दिखा देता हूँ, और भी ये बार बार रिपीट हो रहा है, और हमेशा इसका आंसर यही आता है। ये देखिए, ये दोबारा से फिर रिपीट हो गया दिसंबर 2014 के अंदर, सादृश्य मूलक तर्क, ठीक है। और मैं आपको दिखा देता हूँ और कहाँ पे ये रिपीट हुआ है। अब ये देखिए, जून 2016 के अंदर दोबारा से फिर ये रिपीट हो गया है, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह से आप पता कर सकते हैं कि ऐसे कौन से क्वेश्चन हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, और इन्हें करके आप आसानी से अच्छा स्कोर कर सकते हैं। अब ये देखिए दोस्तों, आगमनात्मक युक्ति यानी कि इंडक्टिव और डिडक्टिव जो होती है हमारी युक्तियाँ, उसमें से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। मैं आपको अभी दिखा देता हूँ कि किस तरह से ये रिपीट हुए हैं, बार बार रिपीट होते हैं, ठीक है। ये देखिए, ये दोबारा से फिर रिपीट हो गया, निगम डिडक्टिव के बारे में इन्होंने बूझा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। और फिर इन्होंने बूझा हुआ है ये आगमनात्मक के बारे में बूझ लिया दोबारा इन्होंने, ठीक है। और आगे हम बात करते हैं, फिर दोबारा से फिर इन्होंने आगमनात्मक तर्क के बारे में बूझ लिया है, फिर इन्होंने जून 2014 के अंदर आगमनात्मक के बारे में बूझ लिया है, और ये देखिए 2015 के अंदर तीन क्वेश्चन आए हैं इंडक्टिव डिडक्टिव से रिलेटेड, 31, 32, 33, ये तीनों क्वेश्चन इंडक्टिव और डिडक्टिव से रिलेटेड है। अब ये देखिए 2015 दिसंबर में दोबारा फिर आ गया, ठीक है। अब मैं सीधा डायरेक्ट चलता हूँ 2017 पे, तो 2017 में मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए निगमनात्मक के बारे में दोबारा इन्होंने बूझ लिया है, ठीक है। और इससे पहले जो क्वेश्चन पेपर आया है जनवरी में, इन्होंने निगमनात्मक के बारे में फिर बूझ लिया है, यानी कि इस। तो दोस्तों इस तरह से आप आसानी से पता लगा सकते हैं कि कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। और अगर आपको ये PDF चाहिए, सभी सब्जेक्ट की PDF चाहिए पेपर फर्स्ट से रिलेटेड, तो आप मेरे से ले सकते हैं। उसका लिंक मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और एक बार फिर मैं आपको बता देता हूँ कि इसकी कुछ कॉस्ट हो सकती है, क्योंकि मैंने भी दोस्तों काफ़ी मेहनत करके ये बनाई हैं। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप हमारी आने वाली वीडियोज़ को आसानी से देख सकें। थैंक यू दोस्तों।